Welcome to Simply Lakshmi's Life. এখানে বুক পচে আছে, স্টোরি বুক। ঠিক আছে, क्या आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। तो इसके लिए सबसे पहले जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद ये ब्लैक कलर का हो जाएगा और साइड में जो बेल बटन आता है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। और हाँ, मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल और आज है वेनसडे मॉर्निंग से मैंने अपना ब्लॉगिंग जो है स्टार्ट कर दिया है और अभी मैंने पिया है अदरक वाली चाय क्योंकि मेरे गले में थोड़ा बहुत पेन स्टार्ट हो गया है। कोल्ड ऐसा एक मतलब है ना कि घर में अगर किसी एक का हो, चाहे बच्चे या बड़े किसी एक का हो, तो सबके साथ होता है, उसके बाद ही घर से निकलता है। तो वही मतलब मेरी बेटी को कोल्ड है, अभी मुझे गले में पेन हो रहा है, मतलब अभी अतनु का भी मतलब होता ही है, हम तीनों का होता है, फिर कोल्ड जो होता है ना घर से जाता है। तो भाई मेरा तो स्टार्ट हो गया गले में पेन। नॉर्मली जैसा मैं पीती हूँ गर्म पानी, उससे ज्यादा गर्म मैं आज पी रही हूँ क्योंकि उससे गले को थोड़ा आराम मिल रहा है। आज मेरी हेल्पिंग हैंड जो है वो नहीं आ रही है, उसने मुझे सुबह फोन किया था कि दीदी मुझे फीवर है। ये वेदर ही बहुत मतलब इस टाइप का है कि बच्चे बड़े सब बीमार पड़ रहे हैं, तो उसको फीवर है। तो मैं आज घर का काम खुद करूंगी। ये चीज को ना मैं इस तरह से लेती हूँ कि एक दिन मुझे मौका मिल गया है अपना घर को क्लीन करने का, इस तरह से मैं लेती हूँ ताकि मुझे ऐसा ना लगे कि मेरे मेड नहीं आए, मेरी हेल्पिंग हैंड नहीं आई तो मैं कैसे करूंगी। मैं इस तरह से नहीं लेती हूँ। और जो मतलब मेरे घर में जो काम करती है ना तो वो बहुत अच्छी है, उसको मैं बोल के रखती हूँ कि तुम जब भी ऑफ करो, जब तुमको नहीं आना हो तो प्लीज मुझे पहले दिन बता देना। तो वो ऐसे ही करती है, वो पहले दिन बता देती है कि कल मैं नहीं आने वाली हूँ। तो उससे क्या होता है ना, थोड़ा मैं अपना काम जो है ना अपने हिसाब से करके रखती हूँ। मैंने उसको बोल दिया है कि तुम दो दिन नहीं आओ, तीन दिन नहीं आओ, लेकिन पहले से मुझे बता देना, तो वो बता देती है। और आज क्या हुआ, आज उसको फीवर है तो वो तो उसको खुद ही नहीं पता था, तो इसीलिए सुबह मॉर्निंग में उसने मुझे फोन कर दिया कि दीदी मैं नहीं आ रही हूँ। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो मतलब होता ही रहता है ना, फीवर है तो हम क्या कर सकते हैं, ये तो हमने हाथ में नहीं है ना। जैसे सडनली मेरी बेटी को सुबह ही मुझे पता चला कि उसको फीवर है, रात तक तो वो ठीक थी, उसी तरह से। और आज मैं अपना घर का जो क्लीनिंग है वो खुद करने वाली हूँ। जब मेरी हेल्पिंग हैंड नहीं आती है तो तब मैं कैसे उसको क्लीन करती हूँ, तब मैं किस प्रोसेस से घर की फ्लोर को क्लीन करती हूँ, वो सारे चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आज। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आ गई हूँ मेरी बेटी के रूम में, क्योंकि ये जो रूम है ये पूजा रूम भी है, तो इसीलिए मैं इसको सबसे पहले क्लीन कर लूंगी, इसको झाड़ू कर दूंगी और मॉपिंग भी कर दूंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहाने के बाद एवरीडे पूजा करते हैं, तो इसीलिए मैं इस रूम को सबसे पहले क्लीन कर रही हूँ। अगर मुझे पता रहता है कि वो आज नहीं आने वाली है तो मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ, मतलब पूरे घर को झाड़ू कर देती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह सुबह घर क्लीन करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फिलहाल अभी मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं पूरे घर को तो झाड़ू अभी नहीं करूंगी, पूजा रूम जो है उसको ही क्लीन कर लूंगी और उसके बाद उसको मॉपिंग कर दूंगी, फिर मैं जाऊंगी किचन में। Oh,
तो मैंने अभी सारे बर्तन जो थे उसको क्लीन कर लिया है। मैं क्या करती हूँ, जितने सुबह में मुझे बर्तन की जरूरत होती है उसी को क्लीन करती हूँ, बाकी मैं बाद में अगर टाइम मिले तो करती हूँ, नहीं तो वो बोलती है कि दीदी आप रख दो, मैं कल आके कर लूंगी। तो वैसे ही जितना मुझे जरूरत है उसी बर्तन को मैंने अभी क्लीन किया है, और अभी मैं खाना बना लूंगी क्योंकि अतन को जाना है ऑफिस, और उसके बाद मैं घर को क्लीन करूंगी। और ये मैं यूज करती हूँ बर्तन धोने के टाइम, एक्चुअली कुकिंग के लिए खरीदा था लेकिन वो यूज तो होता नहीं है, स्टार्टिंग में होता था बट अभी दो रखा हुआ है, एक मेरा और मेरे हस्बैंड का, तो दोनों ये भी रखा हुआ है कुकिंग के लिए, ये यूज मेरा नहीं होता है। हाँ, जब बर्तन धोती हूँ तो तब मैं इसको यूज करती हूँ क्योंकि कपड़े जो होते हैं ना यहाँ पे भीग जाते हैं, तो बर्तन धोने के टाइम में इसको यूज करती हूँ, और वो भी बहुत ही कम क्योंकि छोटे मोटे जब बर्तन होते हैं वो इतना यूज नहीं होता है, जैसे चाय की कप वगैरह ये सब धोती हूँ तो उतना यूज नहीं होता है, ये बड़े बर्तन धोने में इसको यूज करना पड़ता है, नहीं तो कपड़े इधर भीग जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी कुकिंग। जैसे सत्तू की शरबत, अभी सत्तू मेरा खत्म हो गया है तो मैं वो नहीं तो मैं वही लेती, और आज मैंने लिया है एप्पल स्मूदी। एप्पल स्मूदी का रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो, उसका लिंक मैं डाल दूंगी। और अभी मेरा एक ही काम बचा है, वो है फ्लोर को क्लीन करना, तो मैं अभी फ्लोर को क्लीन करूंगी और उसके बाद मैं नहा लूंगी, तो चलिए। और आज मुझे थोड़ा मौका मिला है तो मैं थोड़ा मतलब टाइम लेके उसको थोड़ा सा क्लीन करूंगी। वैसे तो मेरी जो मेड है वो अच्छे से फ्लोर क्लीन करती है, क्योंकि मैंने उसको बोल के रखा है कि सोफा जो है, कर्टन जो है थोड़ा हटा के तुम क्लीन करो, अगर वो नहीं करती है तो मैं उसको हेल्प करती हूँ, थोड़ा सोफा वोफा हटा देती हूँ तो वो वहां से कॉर्नर से निकाल लेते हैं, तो आज मुझे करना है तो चलिए कर लेते हैं अभी। और अभी मैं आ चुकी हूँ लिविंग रूम में।
यहाँ पे मैं जो मेरा प्लांट है उस सब प्लांट की जो लीव जो ड्राई हो गया है उसको मैं कट कर रही हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना कि ये इंडोर प्लांट्स का जो लीव ड्राई हो जाता है दिखने में भी बहुत गंदा दिखता है, और ये एक्चुअली प्लांट थोड़ा बड़ा हो गया है तो मैं इसको थोड़ा सा कट करके इसको एक शेप दे रही हूँ। एक्चुअली मेरे घर में जितने भी गार्डनिंग का काम है सब मेरे हस्बैंड करते हैं, लेकिन उसको कभी कभी टाइम नहीं मिलता है तो मैं उसको थोड़ा बहुत हेल्प कर देती हूँ। और ठीक इसी तरह से मैं कट कर रही हूँ दूसरा जो मेरा प्लांट है उसको भी थोड़ा कट कर रही हूँ, क्योंकि उसका भी लीफ थोड़ा ड्राई हो गया था। और ये जो कटा हुआ लीव्स होता है ना उसको हम लोग लेके जाते हैं गार्डन में, और ये आप जो बकेट देख रहे हो इसके अंदर हम लोग इसको रखते हैं मिट्टी के साथ। ठीक उसी तरह से पूजा का जो फ्लावर होता है उसको भी रखते हैं, तो ये मिट्टी के साथ मिक्स हो जाता है और मिट्टी थोड़ा सा मतलब होता है ना सार बन जाता है, तो इसी तरह से हम लोग इसको रखते हैं। और इसके साथ पानी मिक्स कर दूंगी तो ये मिक्स हो जाएगा। और अभी मैं करूंगी झाड़ू और मॉपिंग, इससे पहले मैं जो हॉल का जितना सारा सामान है उसको मैं समेट रही हूँ, क्योंकि जो कारपेट वगैरह होता है वो सुबह ही मैं इसको उठा देती हूँ, उसके बाद मेरी मेड जब क्लीन करके जाती है उसके बाद मैं इसको बिछाती हूँ। तो आज मैं अभी इसको उठा रही हूँ, सुबह से वो ऐसा ही था क्योंकि सुबह मैंने झाड़ू नहीं किया था। और मैं साथ ही साथ कर रही हूँ थोड़ा बहुत डस्टिंग, क्योंकि डस्टिंग तो मेरा रोज़ का काम है वो मुझे तो करना ही है, नहीं तो मुझे लगता है कि मतलब झाड़ू करने से भी कोई फ़ायदा नहीं दिखता है मुझे। और अभी मैं आ चुकी हूँ मेरी डाइनिंग एरिया पे, वहाँ पे जो जितने सारे बिखरे हुए सामान थे उसको भी मैं समेट रही हूँ, और अभी मैं झाड़ू कर रही हूँ उसके बाद मैं कर लूँगी मॉपिंग। मॉपिंग के लिए मैंने यहाँ पे पानी के साथ ऐड किया है थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा विनेगर, और उसके साथ अगर आप चाहो तो जो डिशवॉशर आप बर्तन क्लीन करने के लिए यूज करते हो वही इसके साथ ऐड कर सकते हो। ज्यादा कुछ ऐड ना करो तो उससे ही मतलब जो इसका मेन कारण है वो रहता है, जैसे इससे अगर मैं घर को क्लीन करूंगी तो जो चींटियां रहता है ना वो चींटियां कम हो जाता है। समर के टाइम में चींटियां तो हम सबके घर में बहुत ज्यादा होता है, कुछ भी चीजें खाने की चीजें अगर आप रख दो तो एक बिस्किट भी रख देती हूँ प्लेट के ऊपर तो उसमें चींटियां लग जाते हैं। तो इस मेथड को करने से ना आपकी जो चींटियां की प्रॉब्लम है वो कम हो जाता है। और एक चीज है ये, इससे घर को क्लीन करने से ना घर में पॉजिटिविटी आती है, मतलब घर की मतलब बोलते ना एक पॉजिटिव पावर होता है इसमें। लेकिन इस चीज के लिए मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल सकती हूँ कि ये एकदम सही है, क्योंकि ये आपके मानने के ऊपर है कि आप इसको कितना मानते हो। इसके लिए मैं कुछ बोलूंगी नहीं कि ये एकदम ठीक है, लेकिन मैं मानती हूँ तो मैं ऐसा करती हूँ। ঠিক আছে আর কেউ বাকি নেই তো? না। এবার তুমি আজকে স্টোরি বুক পড়ে ওদেরকে শোনাবে, ঠিক আছে? মামা আজকে ঘুমাবে। তুমি আমাকে পড়াবে, এটা পড়েছিলাম, এটাও পড়েছিলাম। আচ্ছা আমি প্রথম। तो दोस्तों आज के ये जो ब्लॉग है मैं यहीं पे खत्म करूंगी। आशा करती हूँ कि आज का जो ब्लॉग है आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, थोड़ा भी हेल्पफुल हुआ आप लोगों के लिए, तो मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।